नजदीक है शहर में, और ये सामने देखिए कितने सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। शायद आपको ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन कैमरे में आपको अच्छी तरह ना दिख रहे हो, लेकिन जब देखते हैं ना खुद अपनी आंखों से तो बड़े प्यारे लगते हैं। ग्रीनरी छाई हुई है सारे में, और अब तो पहले मैं आया था तो इतनी अच्छी रोडें नहीं थी, लेकिन अब तो डबल रोड हो गई है, पहले सिंगल रोड हुआ करती थी। और देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, अभी तो ये शुरुआत हुई है इधर से। ऐसा फील हो रहा है कि हम ऋषिकेश में नहीं कहीं और हैं, है ना। कितना बड़ा, कितना प्यारा व्यू है। लो ये पकड़ो, कहाँ दिखा रहे हो। तो फ्रेंड्स हम निकल लिए हैं ऋषिकेश के लिए, और काफ़ी सुंदर सुंदर मतलब नज़ारा दिखाई दे रहा था। शायद आपको फ़ोन के मतलब कैमरे से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो मैं रियल में देख रही हूँ तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, मतलब देखने बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाई दे रहा है। तो हम टू व्हीलर से हैं फ्रेंड्स, ये जा रहा है सामने रास्ता लक्ष्मण झूला के लिए, और अभी देखते हैं लक्ष्मण झूला पे काम चल रहा था, पता नहीं पूरा हुआ है नहीं हुआ है। अभी लक्ष्मण झूला ओपन है या बंद कर रखा है तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। अभी फ्रेंड्स हम पहुँच गए हैं, ये देखिए पहाड़, क्या नज़ारा नजर आ रहा है, क्या नज़ारा लग रहा है। भैया ये रास्ता किधर जा रहा है, त्रिवेणी घाट जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जा रहा है त्रिवेणी घाट के लिए, जो इस रास्ते से हम जा रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए त्रिवेणी घाट आ चुका है। तो पार्किंग में करोगे ना सर, यहाँ से लक्ष्मण झूला कितनी दूर पड़ेगा। यहाँ भी पूरी गंगा जी की तरह हो गया, हाँ गंगा जी की तरह ही हो गया पूरा। गंगा जी तो जा रही है, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो 2 बज गए, तो यहाँ से हमने करा है ब्लॉग स्टार्ट ऋषिकेश से अपना। तो ऋषिकेश में पहुँच गए हैं, तो त्रिवेणी घाट में पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है देखो पहाड़, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं इधर पहाड़। ये देखिए बिल्कुल पास में आ गए, पास में आ चुके हैं, मतलब पहाड़ों के पास में पहुंच चुके हैं। तो चलो अब यहाँ थोड़ा सा जल ले लेते हैं, काफ़ी लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ये देखिए सभी लोग स्नान कर रहे हैं, स्नान करना नहीं करना है, तो जल ले लो थोड़ा सा। तो देखिए फ्रेंड्स गंगा जी काफी अपना तेज दौड़ रहे हैं, मतलब खूब। ये देखिए फ्रेंड्स गंगा जी का, तो दोस्तों ये है अपनी गंगा मैया, और बड़े रौद्र रूप से बह रही है, और डर भी लगता है कि कहीं बह ना जाए। ये देखिए जहाँ तक दूर तक नजर जा रही है, पता नहीं कितना बड़ा इसका दूसरा किनारा कितना दूर तक है। क्या हाँ, तो ऊपर आ जाओ ना इधर।
जय गंगा माँ। ये पेड़ देख रहे हो कितना पुराना पेड़ है, और इस पे तो दो तरह के वो है, देखो पीपल भी है और ये बड़ का पेड़ भी है। तो फ्रेंड्स देखिए एक ही पेड़ पे कितना वो है, ये सामने जो दिखाई दे रहा है पीपल और इधर जो है ये बड़ का पेड़ है, और इनका जो नीचे से एक ही वो है, जड़ तो एक ही निकली हुई है। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये तो इधर बड़ हो गया और इधर पीपल हो गया। तो मैं पहले आता था लेकिन इतना नहीं घूमता था, पहले तो मैं कैंपिंग करने जाता था, जहाँ कैंप एरिया था वहाँ पर लेते थे शिवपुरी में, लेकिन यहाँ तो कभी कभी एक दूसरी बार आना हो रहा है यहाँ पे, तो त्रिवेणी घाट पे, ऋषिकेश पे, लक्ष्मण झूला पे तो बहुत बार आए हैं। क्या कितना ठंडा पानी है ना, देख रहे हो, और गंगा माँ कितने उफान पे जा रही है इस टाइम, पीछे ही रहना। चलो फ्रेंड्स, इसमें कृष्ण जी हैं, अर्जुन जी को लिए हुए रथ। हाँ तो फ्रेंड्स देखो, कृष्ण राधा जी, मतलब राधा कृष्ण नहीं है, मतलब कृष्ण जी हैं, अर्जुन जी को ले जाते हुए रथ। तो काफी सुंदर लग रहा है, देखो कितना सुंदर है, ये देखिए तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ओहो, ये मेरे को छोड़ के चले गए, कहाँ चले गए हैं, मैं इधर उधर देख रही हूँ, इधर उधर देख रही हूँ मैं, मेरे को पता नहीं कहाँ गए, मुझे छोड़, अगर मैं रह गई यहाँ पर पैसे भी ना मेरे पास, समझे। तो फ्रेंड्स आपने भी देख लिया ये नज़ारा, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मन लग रहा है, बस मेरा मन करता नहीं है कहीं जाने के लिए, लेकिन मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती भेज ही दिया है कि हाँ नहीं जा, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, ये आ रहे थे, मेरा मन नहीं था, लेकिन मम्मी ने मुझे भेजा है कि नहीं जाओ। तो ये देखिए पहाड़ों, अच्छा लग रहा है, हाँ अब अच्छा लग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स रुपये निकल रहे हैं, यहाँ पर हमने घूम लिए हैं, यहाँ पर घूम लिए हैं, तो अभी चलते हैं लक्ष्मण झूला के लिए, वहाँ पे लक्ष्मण झूला है, तो वहाँ पे और जाते हैं, एक बार घूम के आते हैं भाई। चलो जब आए हैं तो सोचा एक चलो घूम के ही चले यार, ये पार्किंग में से गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो भी निकलते हैं यहाँ से। देखिए अब हम चल रही है वापस, और ऋषिकेश का मार्ग काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत सुंदर मार्ग है, मतलब फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे हमारे इधर का एरिया होता है ना, जो उधर का शहर है वही वाली फीलिंग आ रही है, मार्ग अच्छा, मार्केट है, मतलब अच्छा लगा, काफ़ी सुंदर मार्केट, मतलब दुकानें भी, रोड भी अच्छी है और मार्केट भी अच्छा है, अच्छा लगा। काफ़ी देर घूम भी लिए,
लेकिन हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था तो इसलिए वीडियो बना नहीं पाए। लेकिन अब यहाँ पे एक भैया से रिचार्ज कराया था, वो चार्जिंग लगवाया था फ़ोन, लोकल के ही थे दुकान वाले भैया। मैंने कहा भैया चार्ज कर दो, तो उन्होंने चार्ज करवाया फ़ोन, तब थोड़ा सा 30% चार्ज हो पाया। तो अब निकल रहे हैं ऋषिकेश से और फिर ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए निकल जाएंगे घर। तो दोस्तों ये देखिए कितनी प्यारी रोड बन चुकी है, पहले ऐसी रोड नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब ये बात है 2019 से पहले की, लेकिन अब इतनी प्यारी रोड है कि लगता है पता नहीं हम ऋषिकेश में नहीं कहीं और आ गए हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं, ये वाला रोड है जो दिल्ली के और हरिद्वार जा रहा है, और इस पर निकल लिए हैं क्योंकि अंदर सिटी के लिए तो उन्होंने रोक लगा रखी है, बार बार बाईपास के लिए निकलना है। बारिश हुई है सुबह से, तो ठंडा मौसम है और ठंड भी लगने लगी है और साथ में पहाड़ भी है। तो फ्रेंड्स हम ऋषिकेश से चलते हैं, तो अपना नहाना धोना तो खैर मैंने हरिद्वार में ही कर लिया था, तो हरिद्वार से हम ऋषिकेश निकल गए और ऋषिकेश से भी वापस हो लिए मतलब अपने मतलब इधर के लिए यूपी के लिए, तो अभी उत्तराखंड में ही घूम रहे हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ रहा था, ये देखो काफ़ी सुंदर था। तो हमें एक भैया मिले हैं जो साइकिल से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और मेरा बड़ा मन था, ये तो फोल्डिंग वाली है ना, तो भैया क्या नाम है? अच्छा, और चैनल का? एनोनी। ये देखिए सर, भैया का चैनल का नाम है, और भैया मिले हैं। तो भैया कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा दिल्ली से हैं, तो कहाँ से ट्रैवलिंग करनी शुरू करी थी? वृंदावन से। तो भैया ने वृंदावन से ट्रैवलिंग शुरू करी थी, और अब इधर कहाँ से आ रहे हैं आप? इधर तो मैं ऋषिकेश घूमा, उसके बाद इधर जाने का मेरा प्लान था, लेकिन वहाँ पे है ना थोड़ा दिक्कत हो गई, पहाड़ वगैरह पानी मतलब बारिश की वजह से है ना, तो उस साइड को स्किप करके अभी वापस जाने के सोच रहे हैं। तो आप अच्छा दिल्ली जाएंगे अब? तो भैया ने देखे पूरा सेटअप बनाया हुआ है, तो बढ़िया है, भैया की साइकिल भी अच्छी लगी और भैया का चैनल है। तो मेरे जो भी सब्सक्राइब हैं भैया को सपोर्ट करना, और चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना। चलिए भैया से थोड़ा बात कर लेते हैं ऑफ कैमरा। ये साइकिल चलाना है? हाँ। उधर तो हम दोस्तों जा नहीं पाए, वहाँ पे चंडी देवी माँ का मंदिर है सामने, तो वहाँ पे जा नहीं पाए हम बारिश के कारण, तो इसको फिर कभी आएंगे जब देखेंगे। देखिए गंगा मैया कैसे उफान पे चल रही है, काफी मतलब पानी जा रहा है, बहुत ज्यादा जल है, दूर दूर तक भी बहुत उफान पे है। अब हम भी चढ़ जाएंगे गंगा मैया, इधर भी जा रहे हैं, इस टाइम निकल रहे हैं यहाँ से गंगा मैया जी को पीछे छोड़ के, और साइड जा रही है, इस साइड जा रहे हैं।
देखिए फ्रेंड्स कैसे एक्सीडेंट करने का इरादा लग रहा है। तो देखिए कितने बस आ रहे हैं और हम भी कर लिए हैं गाँव मतलब घर के लिए अभी। तो ये देखिए देखे पूरा रेस्टोरेंट डूब गया अंदर, पूरा फ्रिज और कितना नुकसान हुआ है इनका भैया का। और वहाँ पे एक गाड़ी भी डूब गई है,
शायद इन्हीं की गाड़ी होगी। ये देखिए पास से ये है, और ये पूरा डूब गया भैया का, सब कुछ भैया निकाल रहे हैं बड़े उससे। देखिए फ्रिज रखे हैं, सब सामान रखा है, सड़क पे भी रखा है सारा सामान, अंदर पूरा फर्नीचर अंदर पड़ा है, सब तैर रहा है पानी में। अपनी बाइक भी पूरी चल रही है दबा के, ऋषिकेश से अभी तक लगातार चलती आई है। इधर एक रेस्टोरेंट भी पानी में आ गया है, बिल्कुल इंडियन पंजाबी। यहाँ पे कोई नहर वगैरह है क्या? क्यों भैया यहाँ पे नहर वगैरह है जो इतना पानी आया? नदी है इधर, आगे नदी है उसका पानी आ गया है। ये तो भैया नुकसान हो रहा है, काफी नुकसान हो गया। कष्टदायक यात्रा हो रही है।